अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक लव स्टोरी सुनाऊंगी जो कि मेरी ही जानने वालों की है। ये एक स्टोरी एज अ रियल स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो इसको ज़रूर सुनने का। इससे आपका अच्छा टाइम पास भी होगा और दूसरा आपको हर स्टोरी से कोई ना कोई यूनो सबक मिलता ही है, तो इस स्टोरी से भी आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि मेरी एक फ्रेंड थी, फ्रेंड की फ्रेंड आप कह लें, तो जो है वो 29 इयर्स ओल्ड हैं और अब तक उनकी शादी नहीं हुई और ऐसा वो किसी से लव करती हैं, उसी के चक्कर में अभी तक उन्होंने किसी के साथ शादी नहीं की है। और वो जो लड़का है बाहर गया हुआ है, यानी कि उसको ये शो करवाया गया था कि भाई बाहर गया हुआ वो ऐसा जॉब कर रहा है कोई, सिर्फ कोई बाहर नहीं होता, आउट ऑफ सिटी होता है, यानी कि लड़कियों से बहुत प्यार करती है, बट जो लड़का है उसके साथ सिंसेयर नहीं होता और उसको यही शो कराया जाता है कि वो बाहर गया हुआ है किसी जो है जॉब वगैरह के लिए। तो लड़की जो है ना शादी करती है ना, कुछ दो तीन साल गुजर जाते हैं, वो वापस आ जाता है ऐसा आउट ऑफ सिटी से। और होता ऐसे है कुछ के जब उनकी शादी की बात होती है तो लड़का ऑलरेडी बाहर जब वो जाता है, मतलब कि आउट ऑफ सिटी चला जाता है, तो उधर जाके वो किसी और लड़की के साथ शादी भी कर लेता है, सेटल भी हो जाता है, और इधर से इसको भी वादे निभाने और सब कुछ इसके साथ भी कह रहा होता है कि मैं आऊँगा शादी करूँगा, लाइक ये वो, उधर भी वो शादी कर रहा था। जब वो इधर आ जाता है तो शादी के लिए भी वो एग्री होती है लड़की, तो वो आके उसको यही बोलता है कि मैं बाहर से आया हूँ और अब मैं सेटल हो चुका हूँ और इस तरह उस तरह, लाइक अब बाहर जाके वो यही बोलता है कि मैं इतना काम बाहर नहीं हुआ, मतलब इतना ज़्यादा मैं बाहर सेटल नहीं हुआ तो मैं इसलिए वापस आ गया हूँ, तो अब मैं इधर ही रहूँगा तुम्हारे साथ और मुझे आउट ऑफ सिटी काम जाना पड़ेगा। तो लाइक इसे शादी के सिलसिले में, यानी कि शादी भी हो जाएगी, मैं आउट ऑफ, मतलब कुछ टाइम उसके पास रह लेकर रहूँगा, कुछ टाइम इसके पास, तो इस तरह करके उसने एक टाइम सा बनाया। तो शादी के लिए भी सब कुछ एग्री हो गया और जब वो यहाँ पर आया शादी के लिए तो कुछ टाइम, यानी कि उसकी जो फर्स्ट वाइफ थी उसको वो बता गया था 1 वीक के लिए, जबकि यहाँ पर वो जब आया था वो लोग शादी के लिए एग्री थे और 1 वीक से ज़्यादा टाइम हो चुका था। जब उसकी बीवी जो थी फर्स्ट, उसको पता था कि जो उसके अम्मी वगैरह का घर है वो किसी और सिटी में है, वो वहाँ पर गई, उसने सारा जज किया। जब उसको पता लग गया इसका, तो उसने उसको किसी रिश्तेदार ने बताया था ऑलरेडी कि शादी कर रहा है एक और, तो जिस तरह ही उसने रिश्तेदार ने उसको बताया, वो उधर गई और उसने जाके उस लड़की को तस्वीरें वगैरह सब कुछ दिखा दिया कि हमारी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। फिर वो लड़का उस लड़की के सामने आता नहीं है, वापस अपने घर ही भाग जाता है उधर। और फिर जो उसकी फर्स्ट वाइफ भी उसके साथ नहीं रहना चाहती, वो भी नहीं इसके साथ रहती, और जो दूसरी जो होने वाली होती है वो तो रहती है, उसको ख़त्म कर देती है। तो गाइस देखिए, इससे हमें पता लगता है कि किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, या फिर अगर आपको मजबूरी भी है, कुछ भी है, तो आप अगले बंदे को सच बता दें ताकि वो आपका वेट ना करें। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।